तुझे क्या मिला। लोग कहते हैं ना कि शीशे के घर में रहने वाले पत्थरों से नहीं खेलते, समझ जाओ शेरी, वरना ये भी नहीं ठहरेगी। तुम मेरी भाभी पे इतने फिदा क्यों हो कि अपना रोना रोने के लिए तुम उसके पास चले गए? तुम्हें तो मैं फारिग कर चुकी हूँ, उससे भी छोड़ूंगी नहीं, कहेंगी तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। बहुत मोहब्बत से आया था तुम्हारे पास। मोहब्बत घाटे का सौदा है, तुम कर नहीं सकते, तुमसे हो नहीं पा रहा। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। वैसे बेटा, अलीजा के बाबा पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं उसके लिए। एक बात पूछूं तुमसे, तुम दोनों खुश तो हो ना? जी जी, बहुत खुश हूं। वो सिर्फ ये कि काम की वजह से परेशान रहती है अलीजा। वही परेशानी जब घर ले आती है तो जाहिर है मेरा भी मूड खराब हो जाता है। आई थिंक अंकल ने ना उसे आइसक्रीम पार्लर पे देख लिया था, वो थक गई थी उस दिन, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, शायद इस वजह से कह रहे हो। वैसे मैं कह रहा था उसे कि क्या जरूरत है तुम्हें एक्स्ट्रा पैसों की, अगर आप लोगों के लिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम बेटियों से पैसे नहीं लेते। वो बेटी है तो मैं भी तो बेटा हूँ। आंटी मैं बस चाहता हूँ कि डैड की तरह ना आप और अंकल भी बिल्कुल बेफिक्री की जिंदगी गुजारे। बस तुमने कह दिया ना, यही बहुत है, खुश रहो हमेशा। ऑर्डर करें आंटी? थैंक यू, आई हैव द यूजुअल। अलीजे, मैंने क्रॉकरी पैक करा के दूसरे कार्डबोर्ड में रख दी है, ये आई कहाँ से थी? वो मेरे जहेज की थी। नताशा बेट, अगर इसे पसंद है तो रहने दो। मुझे नहीं पता था, मैंने पैक करा दी है, इट्स ओके। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अम्मी के घर भिजवा दूँ। हाँ ऑफ कोर्स, रमज़ा के लिए यूज़ हो जाएगा, उनको सब पता है। इसमें इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा तो कोई मुंह नहीं बना। I actually have a flight early morning. I'm just gonna go and pack. Coke. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा सुनो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। शेरी आया था, मुझे लंच पे लेके गया। उसकी मदर की बर्थडे है ना, तो उसने मुझे रिंग दिलाई है, सो स्वीट ऑफ हिम। अच्छा सुनो प्लीज, तुम भी कुछ करना ना, अ नाइस जेस्चर। माँ फातिहा पढ़ लूँगी मैं, शेरी का तो वैसे भी काम है इधर तो उधर लगाना, और वैसे भी वहाँ से सिंपथीज नहीं मिलती, तो यहाँ से गेन कर लेता है, डोंट बॉदर हिम। प्लीज तुम भी ना बस, प्लीज। कैसी बातें कर रही हो? अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है। मैं ना बहुत अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ, मुझे लग रहा है ये एरिया अब सेफ नहीं रहा। और तुम्हारे बाबा का तो तुम्हें पता है, आपसे बातें बात करती हूँ। Oh my God, इतना बड़ा फरीद, छोटा करे भी आदमी, अब मैं साथ उनके साथ रहूंगी नहीं। चेरी ऐसे कैसे कर सकता है? माँ उसने ऐसे ही किया, मुझे वापस वहां नहीं जाना,
उसको मुझे घुमाने के अलावा और कुछ नहीं आता, मुझे उस इंसान की समझ नहीं आती। मुझे लगा कि वो उसको वैसे एंजाइटी होती है तो मैं उसको जाने दूं, उसको माफ कर दूं, लेकिन वो तो एक परपेचुअल लायर निकला है यार। मुझे कुछ समझ नहीं आती उसकी, उसका कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आओ आओ। क्या हुआ अलीज़ा, वो डैड ने कहा कि तुम यहाँ आ गए हो, एवरीथिंग ओके? शरी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हुआ क्या है, विल समवन टेल मी? तुम्हें जो बात भी करनी है अलीज़ा से करो, चलो शगफ्ता। Are you serious? मेरी रैश ड्राइविंग करने पे तुमने इतना बड़ा वावेला मचा दिया। You know what? Today was my mom's birthday, and I really needed you. लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो देखती कि तुम क्या बन गए उनके बगैर। अगर वो इस चेरी से मिलती ना तो तुम्हारे साथ कभी सेलिब्रेट ना करती बर्थडे। अरे हुआ क्या है, मुझे बताओगी एटलीस्ट? ये क्या है शैली, ये तुम्हारी दुबई की याशियां हैं, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल। तुम उस रात अपने दोस्त की बेटी को लेकर अस्पताल नहीं गए थे बल्कि पार्टी कर रहे थे। तुमने मुझे कितना जलील किया उस बात पे, मेरी माँ ने मेरे बाप ने मुझे कितनी सुनाई, अस्पताल की बातों को तुमने कितना एक्सप्लॉइट करके दिखाया, इतना तो उनका रिश्ता हमसे खत्म हो गया। क्या हो गया यार, एक रात पार्टी करने चला गया, सो व्हाट? अच्छा पार्टी तुम करो और सजा मुझे मिले? एयरपोर्ट पे जहाज पे सारा हनीमून कैंसिल करके माँ बाप से मुझे जलील करा के? सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई ने सवाल कर लिया और मैंने तुम्हारा इंतजार कर लिया? तुम समझते क्या हो खुद को शहरी? तुम्हारे पास पावर है तो तुम अपना टेंपर कभी भी लूज कर सकते हो। गलती तुम करो और सजा मुझे मिले, मेरी बला से उस वक्त तुम जहां भी थे वहीं रहते। लेकिन अपनी गलती मुझ पर क्यों थोपी, मेरी माँ को टेंशन दी? ये सब करके तुमने मुझे छोटा बनाया। बहुत मजा आया होगा ना मुझे जलील करके, खबार करके, माफी सुन के, मुझे गिरा के। तुम्हें क्या मिलता है मुझे बताओ? तुम्हें बहुत मजा आता है ये सब करके या तुम्हारा टाइम पास बन गया मुझे जलील करना? स्वीटहार्ट मुझसे गलती हो गई यार, फॉरगिव मी प्लीज। गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। तुम जैसे इंसान को किसी भी खानदान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। Come on, you don't mean that. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो यहाँ से। अरे, लीज़ेब, बात तो सुनो मेरी। चलिए तुम जाओ। अंकल प्लीज, पुरानी बात हो गई है, कैन वी फॉरगेट अबाउट इट? हमारे लिए नई बात है, पहले हमने नहीं सुनी हुई थी। जाओ। मामा अब आप अलीज़ा को मज़ीद लेक्चर ना दीजिएगा, मेरे ख्याल में उसे कुछ दिनों के लिए इस माहौल से आज़ाद कर देना चाहिए। कल फ्लाइट इस्लामाबाद की उसकी। रमजा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम उसको साथ ले जाओ, थोड़ी कंपनी हो जाएगी, हमें भी इतना होगा। ठीक के साथ नहीं रहता बाप। मुझे पता था कि तुम पार्टी कर रहे हो, उसको तो बता के जाते। तुम पता नहीं क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। She doesn't have any life. उसकी कोई लाइफ नहीं है। आज नतालिया होती ना इधर तो
उसने तुम्हें स्पेस भी देनी थी, वो हमारी तरह थी। मैंने रजा को भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो चाहता था कि मैं 1940 की कोई दुल्हन बन जाऊं। अगर उसको बाकी बातों का भी पता चल गया तो उससे पहले भगा दो उसे। वो कल इस्तांबा जा रही है, जाने दो। सॉरी कहा वैसे मैंने, हालांकि मैं इस फेवर में नहीं था सॉरी कहने के लिए, फिर भी कह दिया। अब नहीं बोलना। सुबह सुबह भूरबंद के लिए निकलना है हमें। दी से उदास क्यों हो जाती हो तुम इतना? सो जाती हूँ यार, क्या करूं? भूल जाओ तुम सब, ये सोचो कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। हाँ रिशेरी भी बार बार कॉल कर रहा है, मुझे नहीं किसी से बात करनी। माँ से भी पूरा दिन बात नहीं हुई, स्मीरा ना किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ माय फोन एंड स्लीप। जी जैदी अंकल, अब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ माम बाबा को? नेबर्स वाले जैदी अंकल कह रहे हैं कि हमारे घर में डाकू घुस गए और फायरिंग की आवाज आई और शायद हमने माम बाबा को मार दिया है। पुलिस ने घर को सील कर दिया और माँ बाबा नहीं है वहां पे। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ माम बाबा को? वो सब ठीक है, बस शेरी ने इतना बताया कि डाकुओं ने उन्हें बांध दिया था। मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन शायद अंदर सिग्नल नहीं आ रहे, वो फोन उसका बंद मिल रहा है। क्या हुआ बाबा, ठीक है? हाँ तुमने बताया था ना कि गोलियाँ चली हैं, डॉक्टर प्रोसीजर कर रहे हैं अपना। बाबा को गोली लगी है, वो ठीक तो है ना? इन्हें बताया कि इनके माँ बाप को गोली नहीं लगी बल्कि डैड को हार्ट अटैक हुआ है इसलिए वो बेहोश है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सामने ट्रॉमा सेंटर है, आप जाके खुद ही पता कर लें। इस वक्त आप अपने पेरेंट्स को मिल नहीं सकते लेकिन सामने डॉक्टर अनाल बैठे हूँ, इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनको ज़बरदस्ती मैंने बुलाया तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। अगर चाहें तो अपना रिश्ता भी बता देना मेरे साथ क्या है। आपके पेरेंट्स हैं ना, जाए संभाले उनको। हेलो, हाँ नताशा, हाँ हाँ भेज रहा हूँ उनको, बल्कि मैं खुद ही लेके आ रहा हूँ यार। ओके ओके रिलैक्स। चले बाबा। बेटा तुमको अलीजे को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ भूल जाओ इस वक्त। डैड आप बहुत अच्छे हैं लेकिन लोग आपकी तरह नहीं होते। ऑनेस्टली मुझे अलीजे से कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चले आओ। बेटा ना करो ऐसा, उसे जरूरत होगी तुम्हारी। उसको मेरी जरूरत होगी बिल पेमेंट के लिए, वो मैं कर चुका हूँ। उसको जरूरत है सबक की, खुद मुख्तार फसादी लड़कियां। यार शेरी
अगर वो दोनों आ गए हैं तो बाबा उधर क्या कर रहे हैं? दोनों का दिमाग ठिकाने आने दो जरा। एनीवे नाश्ता लगवा दो। मैं नहीं जा रहा यार, मेरा मतलब है कि बच्चियों के माँ बाप बेहोश है और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। ये बदला लेने का वक्त है, क्या बच्चियों को सहारे की जरूरत नहीं है? देखो तुम सारी रात के जागे हुए, अपने किए पर पानी मत फेरो। तो डोंट फट हम सब बहन वंश। मुझे शेरी ने अभी बताया है, सारी रात से यही बाग दौड़ कर रहा है। वो शादी से वापस आए उस वक्त हमला हुआ है। एहतशाम ने हिम्मत करके शहरी को फोन किया है, फिर पुलिस आई है। देखो जब शहरी पहुंचा ना, इसको पता भी नहीं था कि वो जिंदा है कि नहीं। बहुत परेशान था बेचारा। मैं पेमेंट करके आती हूं। कर दिया मैंने। डैड प्लीज चले यहां से, इनके पेरेंट्स हैं ना, ये बेहतर जानते हैं कैसे हैंडल करने हैं सारी सिचुएशन। बेटा मैं नहीं जाना चाहता, मैं मास्क पहन लूंगा। हवा हाई रिस्क है, वो ठीक है। सी पता था इन्हें कि हाई रिस्क टाइम चल रहा है, तो अपनी हॉलीडे पे बहुत सोच समझ के गई होंगी ना। अपने माँ बाप को अकेला छोड़ के मजा तो आ गया होगा। चले डैड स्टूडेंट्स की, लेट्स गो। चले तुम्हें नहीं ठहर सकती हूँ डैड। डैड ड्रम से बहुत थकी हुई है, आप इसको अपने साथ ले जाएंगे? हाँ मैं भी यही कह रहा था। ठीक है चल। चले प्लीज लेट्स गो। हाँ सारी रात हो गई है यहाँ हॉस्पिटल। गॉड बाबा वापस आ गई। शेरी स्टूपिड है जो आपको अपने साथ ले गया। सास ससुर उसके, आपका वहां क्या काम था? उसको आदत होगी अपने साथ किसी ना किसी को टैग अलाउ करने। भाई तुम तो शुरू हो जाती हो, कोई मौका महल तो देखा करो। चलें आप जाए, यू नीड टू फ्रेशन अप। हॉस्पिटल से आए हैं, इतनी हॉस्पिटल में बीमारी है, इट्स नॉट सेफ प्लेस नाउडेज डैड, प्लीज गो। और वैसे भी उसके माँ बाप तो पागल ही है लीजे के, कौन रखते अपने घर में जेवर। हेलो ओ तुम भी आई हो, अलीजे पे? नहीं वो वहीं पे। आई एम सो सॉरी, तुम लोग का प्लान भी फ्लॉप हो गया। चलो यू नो तुमने फ्लाइट भी ली है, उसके बाद हॉस्पिटल भी गई हो, so I think you should freshen up. Bashir bhai, you do know that my father is very fragile. Dhyan rakhna chahiye. Bashir bhai ab kahan hai? Madam ko guest bedroom dekhna. Please go freshen up. Jo. Ye Lise ki behan pagal hai kya? Is she stupid? Uthkar aa gayi hai Sherry? I'm sure बाबा इसको लेकर आए होंगे, वैसे भी वो किसी को भी ले आते अपने घर में। गई थी ना दोनों बहनें साथ एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देने, तो रहती एक दूसरे के साथ अभी भी इस बुरे वक्त में। यार वो थकी हुई है और कल से घर भी बंद है उसका, कुछ ख्याल ही कर लो। रिश्तेदार नहीं है इनके पास कोई जो हमारे घर आ गए? बहन तो गई थी इतने एटीट्यूड के साथ अपना बैग लेकर। इतनी जल्दी लोगों को माफ नहीं कर देते, हल्के पड़ जाते हैं। शो हर सम हार्ड टाइम, डोंट डू दिस। बड़ा इतरा रही थी ना, क्रेडिट कार्ड का बिल मिल गया। और ये इसकी बहन, ये भी कोई चुड़ैल से कम नहीं है, इसका भी बहुत हाथ है उसको खराब करने में। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ।
I know. Chalo, I think you need to freshen up. You came from the hospital. Main breakfast lagati hu. Go. अलीज़े, बहुत कदर करो शायरी की। हाँ बेटा, खुदा होता तो पता देख क्या हो जाता। जरा जरा मुझे तबा करके तुझे क्या मिला। फ्रेशन अप हो गई? Sit, have some breakfast. नाश्ता करके ना सो जाना। पता नहीं नाम दावा कब ठीक हूं। भाई ये तो लीजा ही बताएगी ना। लोकेश शुक्र है माम बाबा को होश आ गया। सारी रात यहीं बैठी रही तुम। हार अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हम गॉड कुछ नहीं हुआ। शरी भाई से हुई बात तुम्हारी? नहीं। तो क्या करोगी अब तुम? घर तो आखिर जाना है ना तुम्हें। अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो मैं हूँ यहाँ पे। सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? ये माम बाबा के डॉक्टर हैं। बेदर ना आ जाए यार, जैसे कोई बात नहीं कर रही। कैसे ट्रीट किया था इन सब का तुम्हें? इन सब बातों को छोड़ो ना, तुम्हारी शादी हुई है वहाँ पे, मेरी थोड़ी हुई है। ये सोचा है उन लोगों ने कि सील्ड घर को खुलवा कर वहां रुक जाएंगे, लेकिन यहां नहीं ठहरेंगे। अपनी बहन को यहां नहीं रखेगी, वहां रख लेगी। यार कौन लोग हैं ये डैड? इतने ना शुक्रे, आई मीन क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? कसम से अगर मैं ना पहुंचता मर जाते वो लोग, लेकिन नहीं, उनको तो एहसास ही नहीं है इस बात का। ये किस लड़की के साथ फंसा दिया आपने मुझे? तो जो उसके दिल में आते, जो उसकी मर्जी वो चलेगी। भाई मुझे नहीं रहना इतने एटीट्यूड के साथ। आई एम सॉरी। देखो शेरी, ये झगड़े का वक्त नहीं है, और उनके वालदेन की ये हालत नहीं है कि वो अलीजे की बेवकूफी की नजर कर दे। अरे जाए रहे, जहां रहना ना रहे जाके। मेशी डॉट इन एल मेरी तरफ से। आई डोंट केयर एनी मोर, बस आई हैड इनफ। मीरा, आप सबके साथ बैठते नहीं हैं? मैं हमेशा मैंने आपको केला खाने खाते हुए देखा। Is anyone bothering you? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है।
दरअसल मेरी माँ जो खाना बना के देती हैं उसे खाने का वक्त ही नहीं मिलता, अक्सर देर हो जाती। वैसे मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है मैम, किसी दिन मुझे मौका मिला तो मैं आपको भी ऑफर करूँगा। जी थैंक यू। ये सिस्टम क्यों डाउन है सुबह से? रहमान साहब किधर है? आप मेरी बात करें। अरे रहमान साहब, ये रहमान साहब दोबारा नहीं अस्पताल गए? अभी पिछले हफ्ते गए थे। दिस नीड टू बी सॉर्टेड। मैं सुबह से देख रही कोई दफ्तर में काम नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू लिसनिंग टू मी? मैम अगर आप कहें तो मैं चेक कर। आनिए मेरी अभी बात कराओ उनसे। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे डोमेन का एक्सेस चाहिए। डोमेन का लॉगिन दो मुझे। क्या मतलब, क्या मतलब तुम मुझे डोमेन का लॉगिन नहीं मिल सकता? उनको रोक के रखो। आई एम कमिंग। You think you can do this? Yes, ma'am. मैंने software engineering पढ़ी हुई। Are you sure? Yes, ma'am. Come there. Yes, ma'am. लॉग इन डन। सॉटन अपने फोन पे भी चेक कीजिए। Got it, it's working. Well done, Meera. Thank you. I'm impressed. मुझे तो लगता था यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गधे ही पैदा होते। Thank you. You may go now. मैं जरा इनको मिल गया थी। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैम मेरे पास तो डोमेन का एक्सेस भी नहीं था। मैम इसने हमारी क्या गलती है? ये एक्सप्लेनेशंस आप एचआर को दीजिएगा। आई रियली डोंट केयर। पता नहीं हम बच कैसे गए लीजे। उन लोगों ने ना हमें पहले बांध दिया, उसके बाद हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा, फिर मैं बेहोश हो गई। कंबख्तों ने इनको धक्का दे दिया। बस बस जो होना था वो गया, सब दोबारा नहीं होगा। तेरी आंख खुली तो शेरी साथ साथ था फरिश्ते की तरह। मुझे लगता है वही हमें लेकर आया है हॉस्पिटल। मेरी तो हालत ही गैर थी। गली से अगर शेरी ना होता ना तो तुम्हारे 12 बजते। मगर वो है किधर, नजर नहीं आया मुझे बड़ी देर से। प्लीज उसको फोन करो ना। आ जाएगा। हाँ चलो आप प्लीज वहां बस। नहीं बस तुम मुझे फोन दो, मैं करती हूँ उसको फोन। नहीं मैं कर लूंगी फोन, प्लीज आप रिलैक्स करें।
मेरे गुड़िया थक गई होगी, सारी रात से जाग रही हो, घर चले जाओ। शेरी किधर है? आ रहे हैं। आते ही किधर तुम्हारी? जी निकल चुका था वो। अलीजे बहुत कदर करो शेरी की। हाँ बेटा, खुदा होता तो पता थी क्या हो जाता। मैं कॉल करती हूँ। शुक्र है अंकल को होश आ गया। मैं तो सारी रात बहुत परेशान था, वीजे भी नहीं थी यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा था करना क्या। बेटा तुम बैठो, जाके थक गए होंगे। अब ठीक है ना अंकल? अब जल्दी से हमारी छुट्टी हो, यहां से तो घर जाए। इस हालत में तो हम आपको घर नहीं जाने दें। आपका एक घर आपकी बेटी का भी तो है ना, चंद दिन आप वहीं आराम करें। वो घर सेफ नहीं है, रमजा के लिए खतरा है। क्यों लीजिए? इनके भांजे का घर है, इधर करीब ही, हम उधर चले जाएंगे। मेरा मतलब आप बेटी के होते हुए आप इधर उधर क्यों जाएंगे? अभी आप दोनों की निगहदाश्त की जरूरत है। क्यों? जैसे आपकी मर्जी। हाँ अलीजे, तुम चेरी के साथ जाओ, घर की मालकिन तो तुम ही हो, तुम ही ने सारे इंतजाम देखने दो। चले ठीक है, फिर मैं चलता हूं। अलीजे तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। दाफिस। दाफिस। आहिस्ता करना, बंद कर दूं? पापा की वजह से बहुत स्ट्रेस हो, तुमने सुना तो सुन लो। हाँ परेशानी वाली बात तो है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम बाकी परेशान होती तो क्या उनको इस तरह छोड़ के चली जाती? नहीं। हाँ तुम और रमजा भी। खैर मुझे नहीं बात करती इस बार। हाँ नताशा बोलो। कैसे हो, कब आ रहे हो? बस पहुंच रहा हूँ। और अस्पताल के ड्रामों की क्या खबर है? चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? कौन है तुम्हारे साथ, साली या बीवी? हाँ लीजा भी मेरे साथ हैं, वापस ही घर आ। चलो ओके सी यू। कौन था नताशा की? मेरे बारे में पूछ रहे? हाँ क्यों नहीं पूछ? हाय कैसे हैं तुम्हारे पेरेंट्स? बेहतर। शेरी तुम अभी तक रेडी नहीं हो? इतनी मुश्किल से मेरी नतालिया से दोस्ती हुई है दोबारा। बस चेयर चेंज करनी है, इट विल टेक अ सेकंड। हाथ भी धो लेना, मना किया था तुम लोगों मैंने हॉस्पिटल जाने से, पर बाबा सुनते ही नहीं है। ये भी बोला था कि हैं उनकी बेटियां उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। व्हाई डू यू लुक सो अपसेट? मैंने क्या ऐसा कह दिया? लगता है अलीजे वापस आके खुश नहीं। अलीजे बीबी आपके लिए जूस ले। वो बड़े साहब को फोन आया था, आपका खाना भी रेडी है।
नहीं बशीर भाई, आप बस मिलते चाय ले। शुक्रिया। ठीक। शगुफ्ता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अलीजे के ससुराल में जाके रहना। तो बच्ची घर आई थी और अभी। प्लीज आप अभी अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर ना दें एहतशाम। देखिए, हम अगर सिकंदर भाई के घर जाते भी हैं ना, तो उनके घर एक ही कमरा है, एक ही बाथरूम है। फिर उनका बेटा हर वक्त रमज़ा से मजाक करता रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी शेरी ने कहा था ना, अब हमें अपने आप को उसके हवाले कर देना चाहिए। अब हमें वही करना चाहिए जो हमारे बच्चे हमें कहेंगे, हमें सुननी होगी उनकी। लेकिन शेरी ने बेटों से बढ़ के खिदमत की है हमारी। देखो, जब शहरी पहुंचा ना, इसको पता भी नहीं था कि वो जिंदा है। तो बहुत परेशान था बेचारा। फरिश्ते की तरह मुझे लगता है वो ही हमें लेकर आया हॉस्पिटल। शहरी की तरह ना होता तो पता देख के आओ जाओ। कितना थक चुके हैं ना हम। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर तुम्हारा यार सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है, तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ? माँ बाबा भी आ रहे हैं कल। ऐसा कुछ नहीं करे जान, तुम्हें बहुत चाहते हैं बाबा, तुम्हें बहुत चाहत से हाँ लेकर आए। तुम्हारी वजह से मैम, ना अपसेट हो तुम, तुम्हें होना भी चाहिए। कुछ ही दिन पहले तुम घर से निकल के आ गई थी, और आज नहीं रुक सकते हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं। हमारा घर जैसा भी, हम वही जाएंगे। शब्दत हाउस इज नॉट सेफ फॉर यू। सब मेरा कसूर है। शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ही है कि मैं बहुत इमोशनल और इंपल्सिव इंसान। सॉरी। खुद को देखो तुम। शे क्या हुआ? है तो काश ये सब ना होता। अचानक पापा कितने कमजोर और बेहाल हो गए। अच्छा, हमारा घर सीन हो गया, बुनियादें हिल गई। ओके। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो शाबाश, गाना लग गया, लेट्स गो इट। जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला।